हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ले चलते हैं गोवा के मशहूर सलीम अली बर्ड सेंचुरी में। सेंचुरी पहुंचने के लिए हमने पेंजिम से ओल्ड गोवा जाने वाले रोड पकड़ लिया और रायबंदर बस स्टॉप पर उतर गए। वहां से हमने चौराहो आइलैंड जाने वाले फेरी बोट पकड़ लिया। ये देखो, इतने सारे ब्राह्मणी काइट्स जो नदी में फिशिंग करने बैठे हैं। चौराहो आइलैंड पहुंच के आपको लेफ्ट पे एंट्री दिखेगा। टिकट लेने के लिए काउंटर पे आईडी दिखा के रजिस्टर करना है। अगर आप मैंग्रोव स्क्रब फॉरेस्ट देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए। यहाँ पे बहुत सारे क्यूट क्यूट से बर्ड्स भी हैं। ये सेंचुरी ज्यादा बड़ा तो नहीं है, तकरीबन 2 स्क्वायर किलोमीटर का ही होगा। बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक नेचर ट्रेल है जो पार्क के अराउंड चलता है। ट्रेल के दोनों तरफ आपको घने मैंग्रोव के जंगल दिखाई देगा और छोटे छोटे पक्षी भी मिलेंगे। मैंग्रोव के वजह से यहाँ पे बहुत सारे मच्छर है, तो पहले से ही ओडोमॉस लगा के आना है। आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ मैंग्रोव के फॉरेस्ट है। बारिश हो रही है तो पानी जमा हो गया। यहाँ पोस्टर्स भी लगे हुए हैं बर्ड्स के। ये देखो, एक लिटिल ईग्रेट दिख गया। अगर आप लकी है तो यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स दिख जाएंगे, जैसे कि नॉर्दर्न शोवला, मैलर्ड, पर्पल हेरन, कोमोरंट और दूसरे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स। यहाँ जगह जगह पे वॉच टावर्स बने हुए हैं, जहाँ से आपको पेड़ों के ऊपर बैठे बर्ड्स भी दिख जाएंगे। पार्क का एक छोटा सा जेटी है, जहाँ से आप बोट्स पकड़ के पार्क के इनर कनाल्स में घूम सकते हैं। बीच में एक बैम्बू का ब्रिज है। अचानक से तेज बारिश होने लगी और पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो गया। पांच मिनट तेज बारिश होने से हल्की सी बाढ़ आ गई। इतना पानी आ गया कि ऐसा महसूस हो रहा है कि हम मांडवी रिवर में ही चल रहे हैं। बट आई अश्योर यू इट इज सेफ।
तेज बारिश से बचने के लिए हम नेचर रिसोर्स सेंटर के अंदर रुक गए, जहाँ पे हमें बर्ड्स के बारे में बहुत जानकारी मिली। जब बारिश रुक गई तो हम फिर से नेचर ट्रेल पर चलने लगे। नेचर ट्रेल हमें इनर कनाल लेके गया, जहाँ पे हमने ऑटर्स, क्रोकोडाइल्स और बहुत सारे पेंटेड स्टॉक्स देखने को मिला। बर्ड्स के अलावा यहाँ और भी जीव जंतु हैं, जैसे कि स्नेल्स और क्रैब्स। एंड दैट एंड्स आवर जर्नी फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकॉन पे दबाएं।